जिस समय बहुत अच्छे गुरु गोरखनाथ अपनी योग विद्या से पूर्ण मल के कटे हुए शरीर को कुएं से बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, पूर्ण मल मौसी के महल में मां के दर्शन करने गया। मौसी की नियत खराब हुई, सीधे सीधे कह दिया, या तो पति बन जा नहीं तो तुझे कत्ल करवा दूंगी। माता श्री कत्ल होना मंजूर है, पर मैं तेरा पति नहीं हो सकता, मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी धर्म की मां है। नहीं माना पूर्णमल, आखिरकार झूठा दोष लगा दिया अपने बेटे पूर्णमल के ऊपर। राजा से भी उल्टी सूधी बातें कर दी, राजा ने भी पूर्णमल का पक्ष लिया, कह दिया कि रानी सही कह रही है, जल्ला दो जाओ, जंगल में ले जाओ, पूर्णमल के टुकड़े कर करके काट के साओ और इसकी आंख निकाल के मेरे सामने लाना। जब मेरे सवार आएगा, इसने अपनी मां को गंदी नजर से देखने का कार्य किया है। दोस्तों, आखिरकार जल्लाद जाते हैं पूर्णमल के टुकड़े करके कुआ में डाल देते हैं। उधर से गुरु गोरखनाथ का अखाड़ा निकल रहा था, अखाड़ा जमा हुआ है। गुरु गोरखनाथ ने आज्ञा दी, अपने शिष्यों को जाइए कुआ में से पानी भर के लाइए, आसपास में कुआ होगा। चेलाओं ने डोल डाला कुएं में, झांक करके देखा तो एक लाश कटी हुई पड़ी है। दौड़ करके गुरु के पास गए कि गुरुजी, जिस कुएं में हम पानी लेने के लिए गए थे, कुआ तो सूखा हुआ है पर एक लाश पड़ी हुई है। गुरुजी आते हैं, समझते थे योग माया से सारी चीजों को, समझे हुए हैं, आए हैं, लाश के टुकड़ों को बाहर निकलवाया, निकाल के अपनी योग माया से पानी से छिड़क करके समर्थ किया। पूर्णमल पूरे रूप में अब गुरु के सामने हैं। कौन है? गोरखनाथ कहते हैं कि बाबा, मेरा नाम पूर्णमल है, राजा सलेभान का बेटा हूं, अकेला बेटा हूं। फिर तेरे साथ क्या हुई? मेरी मौसी ने झूठा दोष निकाल के मुझे निकाल दिया, कटवा दिया, मैं कुएं में आया हूं। तो बेटा, जब तू अपने पिता की इकलौती संतान है तो वापिस अपने देश लौट जा। नहीं पिताजी, नहीं गुरुजी, मैं नहीं लौटूंगा। जहां मानस खानी इस तरह की औरत हो, मां हो, मैं नहीं लौटूंगा। पूरन गोरखनाथ कहते हैं कि बेटा, तू गलती कर रहा है, राजपाट का अकेला वारिस है, जाना तुझे होगा। गुरुजी, मैं ऐसे राज में नहीं जाऊंगा जहां जीते जी भक्तों के ऊपर भी दोष लगा के उन्हें कटवा दिया जाता हो। दोनों के सवाल जवाब होते हैं। गुरु समझा रहे हैं कि बेटा जा, मैंने तुझे समर्थ कर दिया, मेरी आज्ञा है, तू अपने घर लौट जा। नहीं गुरुजी, मेरी भी प्रतिज्ञा है, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। दोनों के सवाल जवाब किस तरह से चले। शरीर को जोड़ दिया है योग माया से, लेकिन गुरुजी, हाँ, मैं तो तुमने अपना नाम भी मुझे बता दिया है पूर्णमल, ये भी बता दिया है सलेभान राजा के संतान। मत पूछो महाराज, आज मेरी रंज से भरी कहानी। हाँ, शाल भान का पूर्णमल मेरी शाल कोट रजधानी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं तो गुरुजी केवल आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे राज का कोई मोह नहीं, मैं वापिस शालकोट के लिए जाना नहीं चाहता। गुरुजी, जो लोग भक्ति के लिए बनाए जाते हैं परमात्मा की तरफ से, वो भक्ति करते हैं। जो युक्ति के लिए बनाए जाते हैं, वो युक्ति करते हैं। जो राजपाट भोगने के लिए बनाए जाते हैं परमात्मा की तरफ से, वो राजपाट भोगते हैं। बेटा, मेरी आज्ञा है, तू अपने घर वापस लौट जा। और मौसी की भी, तेरी मौसी की भी ध्यान बदल गया होगा, ऐसी बात नहीं, हर समय एक सी बुद्धि आदमी की नहीं रहती, हर समय एक सा विवेक नहीं रहता। जो भी तुझे अपने मनोभाव कहने हैं जल्दी फटाफट। लेकिन गुरुजी, मेरी जो अंतरात्मा की आवाज है वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। किस तरीके से? कहिए कहिए पूर्णमल, क्या करें?
भेज दे। करो शुक्र किसे मन और कोई हिला ना चाहिए, वो बाप का गिल्ला ना चाहिए, माँ बाप का गिल्ला ना चाहिए। बहुत इधर आ जाओ, बहुत अच्छे। कहिए कहिए पुरनमल क्या कहना चाहते हो? बहुत अच्छे। Yeah.
आज भी मेरी मौसी नूना देव उस महल के अंदर उस राज के अंदर विराजमान है। उसकी वजह से मैं वापस शालकोट जाना नहीं चाहता बेटा, उसके बारे में बताऊंगा, सवाल कर जल्दी फटो। अच्छा सुनिए, कच्चा चेला ना चाहिए, चेला तो तू पक्का ही है, पर एक सलाह मेरी भी मान ले बेटा, चल क्या फिर के दोबारा सवाल।